आमी ओछी पारो। जी हाँ, मेरा नाम पारो है। आप मुझे नहीं जानते। आमी बोलबो अपना के DDLJ कहानी। जी हाँ, DDLJ आप सभी ने देखी होगी, किंतु आपनारा जानू ना DDLJ पीछेर कहानी। अरे, आपने DDLJ नहीं देखी? देखी होगी कई बार, लेकिन उसके पीछे की कहानी मैं पारो आपको बताऊंगी। जी हाँ, उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। आपको बताती हूँ कि DDLJ 1995 में आई थी। भारी गोंडकोल छिलो तब। की गोंडकोल छिलो? आमी अपना के बोलबो। दरअसल आदित्य चोपड़ा जो डायरेक्टर थे, वो राज मल्होत्रा के कैरेक्टर के लिए शाहरुख खान को नहीं लेना चाहते थे। उरी बाबा, एटा की? एटा तो आम्रा जानता ना, किंतु आमी अपना के बोलछी, यानी कि मैं आपको बताती हूँ कि इस भारी गोंडकोल के पीछे क्या कहानी थी। दरअसल शाहरुख के पास टाइम नहीं था और शाहरुख पहली चॉइस भी नहीं थे आदित्य चोपड़ा के। जब वो गए शाहरुख के पास फिल्म लेके, तो शाहरुख ने साफ मना कर दिया। क्या नो? अरे, यानी कि तब शाहरुख नेगेटिव रोल के लिए बहुत फेमस हो गए थे। उन्होंने बाजीगर किया, उन्होंने डर किया, और इसके लिए लोग उन्हें प्रचंड आदर दिच्छिलो, यानी कि उसके लिए शाहरुख को बहुत प्यार मिल रहा था। तो शाहरुख रोमांटिक फिल्म करने से डर रहे थे। ओरे बाबा, भारी गोंडगोल हुए गलो। जी हाँ, ना आदित्य चोपड़ा को सैफ अली की डेट मिल रही थी और ना शाहरुख हाँ बोल रहे थे। लेकिन आदित्य चोपड़ा फिर गए शाहरुख के पास और शाहरुख ने हाँ कह दिया। इस फिल्म की शूटिंग भारत, लंदन, स्विट्जरलैंड में हुई और इसके बाद शाहरुख खान बने गए किंग ऑफ रोमांस। जी हाँ, किंग ऑफ रोमांस। जेब दौड़ भाग चिलो रोमांस से, यानी कि जो रोमांस से दूर भाग रहा था शाहरुख, वो किंग ऑफ रोमांस बन गया और लड़कियों के हार्ट थ्रॉब बन गया, लड़कियों के दिलों की धड़कन बन गया। और इस फिल्म के गाने से लेकर डायलॉग सब सुपर डुपर हिट रहा और शाहरुख खान का ये पोज भी सुपर डुपर हिट रहा। आदित्य चोपड़ा तो बेचे गलो, बेश होए छे। ए बार भालो होलो निका। अरे, अपनारा ऐसे गेछेन? खूब भालो होए छे। आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। इस फिल्म में एक और कहानी है। शाहरुख और सैफ से पहले आदित्य चोपड़ा किसी और को लेना चाहते थे, हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज को। भी एकदम सच्ची। जी हाँ, एकदम सही बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे टॉम क्रूज को इसलिए लेना चाहते थे क्योंकि फिल्म में इंडो अमेरिकन ट्विस्ट वो देना चाहते थे, किंतु ऐसा हुए नहीं, यानी कि ये हुआ नहीं। ठीक आछे, खूब भालो हुए छे। कहनो कि शाहरुख किंग ऑफ रोमांस कैसे बनते फिर? जी हाँ, शाहरुख खान ने DDLJ में कमाल कर दिया और इसके बाद शाहरुख के लिए लड़कियों का दिल आज भी धड़कता है। तो आपनारा केमन लागलो ये कहानी? जी हाँ, आप लोगों को कैसी लगी पारो की ये कहानी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।